जाने कितने वर्षों से यह पीपल का पेड़ इस राह पे खड़ा था। कभी एक छोटी सी सड़क बनी, लोग आते रहे जाते रहे, लोगों को छाव दे रहा था, आज भी दे रहा है, लेकिन अब बहुत जल्द इसे यह क्रूर व्यवस्था विकास के नाम पर इसे अब काट दिया जाएगा। इसे कुछ दिनों बाद जब हम आएंगे तो ये पेड़ हमें नहीं मिलेगा। यह देख कर के कम से कम हमारा हृदय तो हाहाकार कर रहा है कि ऐसा कतई कतई नहीं होना चाहिए। वृक्षों को इस तरीके से काटना क्या पाप नहीं है? लेकिन सरकार के सामने प्रश्न सिर्फ उछलने वाले रुपयों का है। रुपये उछल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और वृक्ष कट रहे हैं। मैं सुरेश चंदूगा। कोरबा में लगभग 100-150 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, 4 लाइन की और 2 लाइन की, जिसमें सैकड़ों पेड़ों को काटे जा रहा है और निरंतर उन्हें बेदर्दी से काटा जा रहा है। आखिर यह कब तक चलेगा? कौन इसे रोकेगा? या हम सिर्फ देखते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे? सच्चाई तो यही है, क्योंकि अभी तक कहीं पर कोई एक आवाज़ नहीं उठी है कि इन पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक रास्ता कहीं विदेशों में सुना गया है कि इन्हें विस्थापित किया जाना चाहिए। विस्थापित किया जा रहा है, आखिर भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में यह क्यों नहीं किया जा रहा है? यह सोचने का मुद्दा है। मेरे पीछे इस मुख्य मार्ग में एक पेड़ आपको दिख रहा है पीछे, जिसकी शाखाओं का कर्तन कर दिया गया है। और अब कुछ दिनों बाद जब हम दोबारा यहाँ आएंगे तो इस मार्ग पर यह पेड़ हमें नहीं मिलेगा। यह सिलसिला लगातार चल रहा है, अब आज गति से चल रहा है और पेड़ों को बड़े ही बेदर्दी और बेरहमी से लगातार काटा जा रहा है। मैं सुरेश चंदूगा। नगरी कोरबा में 4 लाइन 2 लाइन सड़कें लगातार बन रही हैं और इसका सीधा असर हो रहा है हरे भरे वृक्षों पर। हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, कहीं कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है, कहीं कोई आवाज़ सुनने में नहीं आ रही है। आखिर 100-150-200 साल पुराने पेड़ों को काटने का यह सिलसिला कब तक चलेगा? यह एक प्रश्न सामने खड़ा है। मैं सुरेश चंद्र।